हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रॉयल एस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आप और हम यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में आने वाले डेली करेंट अफेयर के क्वेश्चंस को द हिंदू के डेली के न्यूज आर्टिकल के थ्रू एनालाइज करते हैं। आज का सबसे पहला आर्टिकल जो आपको दिख रहा है, श्रीलंका अरेस्ट 55 इंडियन फिशरमैन, इसके जस्ट ऊपर एक इमेज के साथ अपने आप में एक बहुत बड़ा न्यूज आया है, पर्टिकुलरली यूपीएससी के व्यू से। इस पे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि बंबू का ओवर ब्रिज, जनरली कंट्री में या कहीं भी ओवर ब्रिज जो रिवर्स के ऊपर या किसी नाले के ऊपर बनाया जाता है, वो कंक्रीट, सीमेंट, स्टील, इन सब का यूज करके बनाया जाता है। बट मेघालय जो एक नेचुरली काफी एक तरीके से एफ्लुएंट स्टेट है, जहां पे 2013 में उसको अपना हाई कोर्ट दिया गया था, 2013 में। इससे पहले आसाम यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट का बेंच शिलोंग यानी मेघालय को कवर करता था। तो ये स्टेट नेचुरली बहुत ज्यादा एफ्लुएंट है। यहाँ के कुछ ट्राइब्स हैं, उनकी कुछ खासियत है। जैसे एक ट्राइब है खासी, ये खासी कहाँ पाए जाते हैं ये मैं दिखाता हूँ आपको। मेघालय का मैप बहुत ही सिंपल है, कुछ इस तरीके से है। ये मेघालय है, और अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्ट में पड़ता है गारो हिल, इसके बाद पड़ता है खासी हिल, और इसके बाद पड़ता है जयंतिया हिल। तो ये जो गारो, खासी और जयंतिया, ये बराबर पूछे जाते हैं। ये तीनों माउंटेनियस एरियाज हैं, हिली रीजन्स हैं मेघालय के। इस खासी वाले रीजन में एक ट्राइब पाया जाता है, इसका नाम भी है खासी। और इस खासी की एक खासियत है कि वो ब्रिज बनाता है, लेकिन उसमें स्टील सीमेंट का यूज नहीं किया जाता है। उसमें या तो वो बम्बू ट्री का, बम्बू का यूज करते हैं, या एक ट्री का यूज करते हैं। आज उसका नाम यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, फाइकस, FICUS। आपसे ट्री का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये जो नेचुरल रिसोर्स का यूज करके आर्टिफिशियल चीजें ये बना रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पहले भी यूपीएससी इस पे पूछ चुकी है। जब हम बात मेघालय की कर रहे हैं, तो एक और चीज को कवर करते हैं कि यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है, ये गारो और खासी के बीच में तूरा एक जगह पड़ता है, इनफैक्ट ये गारो रीजन में पड़ता है। इसका नाम है नोकरेक। आप सबको पता होगा, नोकरेक का नाम आपने जरूर सुना होगा। नोकरेक एक पीक पॉइंट भी है गारो हिल में, और नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन से स्टेट में? मेघालय में। मेघालय के नॉर्थ में आसाम है, मेघालय के साउथ में बांग्लादेश है, और बाउंड्री लगभग ऐसा रिप्रेजेंट होता है जैसे बांग्लादेश और मेघालय कनाडा और यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ज्यादा जिग जैग बाउंड्री नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सो मेघालय का साउदर्न पार्ट बांग्लादेश को टच करता है, नॉर्दर्न पार्ट आसाम को टच करता है। मेघालय में एक बायोस्फीयर रिजर्व है नोकरेक, आप डिटेल में जरूर पढ़ें इसके बारे में। तीन हिली रीजन्स है वहां पे, गारो, खासी, जयंतिया। लगभग ये रेक्टेंगुलर शेप का है, नॉट एग्जैक्टली, नॉट मैथमेटिकली, बट बहुत सिंपल सा मैप है इसका। 2013 में इसे अपना हाई कोर्ट मिल गया। यहाँ की खासी ट्राइब, जिसकी खासियत है ओवर ब्रिज बनाना यूजिंग रूट्स ऑफ ट्रीज, आप यहाँ देख सकते हैं ट्रीज के रूट्स को यूज करके ये ब्रिज बना हुआ है, जो आपके लिए इमेज में लाया गया। सो बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। श्रीलंका अरेस्ट 55 इंडियन फिशरमैन। ये सिलसिला बहुत पुराना है इंडिया और श्रीलंका का, कभी श्रीलंका अरेस्ट करता है, कभी इंडिया अरेस्ट करता है फिशरमैन का। ये जो झगड़ा है बहुत पुराना है। फिलहाल इस आर्टिकल में से बहुत सारी चीजें आपके प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में इंडो श्रीलंका रिलेशन में आप मेंशन कर सकते हैं इन करेंट अफेयर्स की चीजों को। सवाल यह है कि श्रीलंका के नेट में, श्रीलंका की जाल में ये भारतीय मछुआरे फंसे कैसे। आज का अपना मेन हेडलाइन यही है। एक्चुअली किसी भी कंट्री का जो वाटर टेरिटोरियल रीजन होता है, वो कंट्री जिसके आसपास या जो ओशियन से बिलोंग, ओशियन से जिसका रिलेशन हो, अब जो लैंडलॉक कंट्री है उसका तो कोई टेरिटोरियल वाटर होगा नहीं, उसे तीन पार्ट में बांटा गया है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव जोन।
एक्सक्लूसिव जोन में 12 नॉटिकल माइल तक, ये लगभग 24 किलोमीटर से ऊपर हो जाता है, इतने दूर का एरिया किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव होता है, यानी इसमें कोई दूसरा कंट्री नहीं आ सकता। इसके बाद आता है नेक्स्ट 12 और, यानी 24 नॉटिकल माइल्स, इसे कहा जाता है कंटिग्यूस वाटर जोन या टेरिटोरियल जोन। इस कंटिग्यूस टेरिटोरियल जोन में, जैसा कि नाम ही है कंटिग्यूस, इसका मतलब होता है कि कंटेंशन वाला, इस एरिया में एंटर करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है दूसरे कंट्री को। इसके बाद आता है 200 माइल, ये इकोनॉम 200 नॉटिकल माइल, ये किसी कंट्री के वाटर का ओवरऑल एक्सटेंशन होता है, इकोनॉमिक जोन होता है किसी भी वाटर टेरिटरी में। सो ये तीन पार्ट में बांटा गया है वाटर टेरिटरी को, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल एंड 200 नॉटिकल माइल। नाउ क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका ने इनको कहां अरेस्ट किया है? श्रीलंका ने इन्हें इंडियन वाटर टेरिटरी में अरेस्ट किया है या श्रीलंकन वाटर टेरिटरी में अरेस्ट किया है? ऑब्वियस ही बात है, जो इंडियन फिशरमैन है, श्रीलंका का कहना है कि ये श्रीलंकन वाटर में नेविगेट कर रहे थे, वहां ये मछलियां पकड़ रहे थे। एनीवे, इन्हें जहां पे श्रीलंका ने अपनी जाल में फंसाया है उस आइलैंड का नाम है डेल्फ्ट आइलैंड, DELFT। अगर मैं श्रीलंका की बात करूं कि श्रीलंका कुछ इस तरीके से है इंडिया के नीचे, तो यहां पर धनुषकोडी है, ये धनुषकोडी है, पाक स्ट्रेट है यहाँ पे, जो इंडिया श्रीलंका को सेपरेट करता है। पाक स्ट्रेट के ठीक नीचे और गल्फ ऑफ मन्नार के ठीक ऊपर यहां पड़ता है कहीं डेल्फ स्ट्रेट। श्रीलंका इधर भी है थोड़ा ऐसे। डेल्फ स्ट्रेट फर्स्ट टाइम न्यूज में आया है बहुत दिनों बाद, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशियन में डेल्फ स्ट्रेट, पर्टिकुलरली एक तरीके से वे ऑफ बंगाल में डेल्फ स्ट्रेट श्रीलंका का एक आइलैंड है, डेल्फ आइलैंड, ये श्रीलंकन आइलैंड है जहां पे भारतीय मछुआरों को श्रीलंका ने अपनी जाल में फंसाया है। बहुत पुराना मामला है ये, बहुत पुराना मसला है ये, अक्सर ये चीजें चलती रहती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहां ये है कि वाटर टेरिटरी को तीन जोन में डिवाइड किया जाता है, एक्सक्लूसिव, कंटिजियस एंड इकोनॉमिक, 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल एंड 200 नॉटिकल माइल। नेक्स्ट आर्टिकल है, वन मोर लिंच्ड इन पंजाब ओवर सैक्रिलेज। आपको याद होगा एक दो दिन पहले जो गोल्डन टेंपल है अमृतसर में, जिसे 1577 में यानी 1577 में गुरु रामदास, जो कि फोर्थ सिख गुरु थे, इन्होंने कंप्लीट करवाया था, इन्होंने बनवाया था। गुरु रामदास 1577 में गोल्डन टेंपल अमृतसर में इन्होंने बिल्ड करवाया। सिख का अति पवित्र स्थल है ये, आपको बहुत सारी चीजें याद आती होंगी। इंदिरा गांधी माननीय जो प्रधानमंत्री थी हमारी कंट्री की, स्ट्रॉन्गेस्ट प्रधानमंत्री, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, उनका मर्डर, उनका एसेसिनेशन इसी के कारण हुआ था। यहाँ पे उन्होंने, वो खालिस्तान टेररिस्ट आ गए थे इसमें, तो आर्मी को एंटर करवाया था इसके अंदर। एनीवे, पुराना मामला है वो। फिलहाल गोल्डन टेम्पल अमृतसर में आपको इतना याद रखना है कि गुरु रामदास, जो कि फोर्थ गुरु थे सिख के, 1577 में एक सरोवर, लेक के चारों तरफ, उसके आगे लेक है, उस लेक के साथ में एक टेम्पल बिल्ड करवाया था, जिसका ही नाम है, ये टेम्पल मीन्स यहाँ गुरुद्वारा से है, एक टिपिकल हिंदू टेम्पल नहीं है ये, गुरुद्वारा है ये। यहाँ पे आपको अंदर स्टैचू की जगह आपको होली बुक रखा हुआ मिलेगा, जो 1604 में गुरु अर्जन ने रखा था, ये फिफ्थ गुरु थे। सो गोल्डन टेम्पल से आपको इसका ईयर, इसके बनाने वाले
इसके अंदर जो हरमंदर तख्त बोलते हैं, हरमंदर साहिब आदि ग्रंथ रखा गया था, वो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, सिक्स नेशंस कॉल फॉर अ इमीडिएट एड फॉर अफगान्स। ये सिक्स नेशन है कौन? ये सिक्स नेशन है ओआईसी के मेंबर, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का चैंपियन मानते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड का सेवियर मानते हैं। इनका कहना है कि यूनिवर्स में, वर्ल्ड में इस्लाम के साथ कुछ भी ऊंच नीच होता है तो उसको हम मॉनिटर करेंगे, हम रेगुलेट करेंगे, हम कमांड देंगे और एक्टिविटीज को हम कैरी करेंगे। ये ओआईसी राइट नाउ 57 इस्लामिक कंट्री का मेंबर है, 57 से याद रखें आप, 27 है यूरोपियन यूनियन में, दोनों में लास्ट में 7 है। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं, जबकि ओआईसी में 57 मेंबर हैं। ये 57 मेंबर आज के टाइम में है। इसे बनाया गया था, ओआईसी को क्रिएट किया गया था 1969 में, 1969 में, 1969 में गांधी जी के पैदा होने से 100 साल बाद 1969 ओआईसी। ओआईसी खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का ऑनर मानता है फिलहाल के लिए, चूंकि अफगानिस्तान इसका पार्ट है, अफगानिस्तान इज वन ऑफ द मेंबर इन 57 मेंबर कंट्रीज ऑफ ओआईसी, तो इन्होंने अफगानिस्तान के लिए ऐड की डिमांड की है। आप यहां पर देख सकते हैं, इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ था अभी सितंबर में, जिसने अपने जयशंकर साहब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी शामिल हुए थे सेंट्रल एशियन काउंटर पार्ट्स के साथ। ये सेंट्रल एशियन काउंटर पार्ट्स में ओआईसी के मेंबर भी आते हैं। तो ओआईसी से आपको याद रखना है इसका फॉर्मेशन, इसका मेंबर और इसके जो एक्टिविटीज हैं या इनके जो थीम्स हैं, ये क्या कहना चाहता है, ये चीजें। एक दो और चीजें बता दूं आपको, ओआईसी का ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक, इंग्लिश एंड फ्रेंच। आप जनरली ऐसा सोचेंगे कि ये तो केवल अरबिक होगा या कुछ उर्दू टाइप का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दो और भी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जिसमें अरबिक, इंग्लिश, अरबिक तो है ही, इंग्लिश और फ्रेंच भी शामिल है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, कैपिटल लॉसिंग इट्स ट्री टू कॉन्क्रिटाइजेशन रूल वायलेशन। ये एनजीटी का काम है, एनजीटी से आपको 2010 याद आना चाहिए। हाउ एवर यहाँ पे एक एक्ट का नाम आया है, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्री एक्ट 1994, जो कि रेस्ट्रिक्शन पुट करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2013 में भी ऑर्डर दिया था कि जो स्पेस है ट्री के अराउंड वो कॉन्क्रीट फ्री होना चाहिए 1 मीटर तक। एनजीटी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, कैपिटल स्ट्राइस्ट विथ डेंगू। ये डेंगी हमेशा दिल्ली या इसके जैसे जो महानगर हैं, जहां पे गंदगी लिमिट के बाहर है, हर साल अटैक करती है डेंगी। वैसे तो सालों भर चलने वाला है ये बीमारी, लेकिन बरसात के सीजन में कुछ ज्यादा ही हो जाता है ये डेंगी। किस टाइप का डिजीज है, लाइक ये कौन से मॉस्किटो के कारण, काटने के कारण होता है, वो मॉस्किटो दिन में निकलता है, रात में निकलता है, डेंगी का लक्षण क्या है, सिम्टम क्या है इसके, ये सारी चीजें यूपीएससी के प्री के व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इससे गो थ्रू जरूर हो लें। थार डेजर्ट एक्सपेंडिंग फास्ट विद लैंड डिग्रेडेशन फाइंड्स अ स्टडी। थार डेजर्ट जिसका 15% पार्ट पाकिस्तान में है और 85% पार्ट इंडिया में है, थार डेजर्ट इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 4.56% है।
इंपॉर्टेंट डाटा फॉर यूपीएससी प्री। 4.5% लगभग थार डेजर्ट इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का है, उसमें से 60% केवल और केवल राजस्थान में है, जबकि बाकी का पोर्शन गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक है। जी हाँ, आप ऐसा अगर सोचेंगे कि केवल थार डेजर्ट राजस्थान में है तो गलत होगा। ऑप्शन में गुजरात, पंजाब और हरियाणा भी हो तो वो भी सही है, वहां तक इसका एक्सटेंशन है। थार डेजर्ट का टोटल एरिया लगभग 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, यहां मैं मेंशन कर देता हूं, और ये वर्ल्ड का 20th largest है। दुनिया में थार डेजर्ट का पोजीशन लार्जेस्ट में 20वें नंबर पर है। इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 4.56% है। कुछ और भी चीजें हैं, जैसे यहाँ का वेजिटेशन, यहाँ का एनवायरनमेंट क्लासिफिकेशन जो होता है एनवायरनमेंट का, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार टाइम मिलने पर गो थ्रू जरूर हो लें इन सब चीजों से। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नर रेजेज कंसर्न ओवर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिथरिंग स्टांस। ये गवर्नर और सीएम के बीच का जो रोमांस है, ये सालों भर कंट्री में चलने वाला रोमांस है, और इसकी व्यवस्था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है आर्टिकल 163 के तहत, जिसमें ये मेंशन है कि देयर विल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। सेम लाइक 74 नंबर आर्टिकल में सेंटर के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की व्यवस्था की गई है, वही गवर्नर और सीएम के बारे में आर्टिकल 163 में मेंशन है। कुछ स्टेट जहां पे सेंटर की गवर्नमेंट नहीं होती है, सेंट्रल पार्टी की, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पार्टी की है उस पार्टी का नहीं होता है, तो वहां पे ये रोमांस थोड़ा सा लिमिट क्रॉस कर जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में देख सकते हैं, और उन स्टेट्स में देखे जा सकते हैं जहां पे रूलिंग पार्टी डिफरेंट है सेंटर और स्टेट में। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंडियन डेजर्ट कैट, जो कि लिस्ट कंसर्न है। आप ऐसा नहीं सोच लें कि द हिंदू में आ गया तब तो ये या तो एक्सटिंक्ट होगा या मोस्ट वल्नरेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग बात है कि फर्स्ट टाइम इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट में एक टाइगर रिजर्व है, पन्ना टाइगर रिजर्व, नॉर्दर्न एमपी में है। अगर मैं एमपी को ऐसे ड्रॉ करूं रफली, तो यहां पर पन्ना है नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में, मध्य प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पन्ना टाइगर रिजर्व है। ये पन्ना टाइगर रिजर्व वो टाइगर रिजर्व है जो आज न्यूज में आया है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ का प्राणी नजर आया है। इसका नाम है इंडियन डेजर्ट कैट। ये इंडियन डेजर्ट कैट ना तो वल्नरेबल है, ना ही एक्सटिंक्ट है, बट लिस्ट कंसर्न है एज पर IUCN क्लासिफिकेशन। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एक्सेस रेन अफेक्ट्स वर्ल्ड माइग्रेशन टू कर्नाटका। वर्ल्ड माइग्रेशन इंडिया में बहुत आम बात है। राजस्थान का सेंचुरी आपको याद आ जाता होगा, जैसे ही वर्ल्ड माइग्रेशन की बात की जाती है, साइबेरियन क्रेन याद कीजिए, वो इंडिया का क्रेन नहीं है, वो फॉरेन का वर्ड है, वो माइग्रेट करके इंडिया आता है, भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी में आता है घूमने के लिए। वैसे ही कर्नाटका में एक दो जगह है, हादीनारू एंड सीरा, ये नानगुड़ और तुमकुरु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोनों। यहाँ पे वर्ड्स आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक वाटर बॉडी है, रामसर साइट तो नहीं है, लेकिन ये वाटर बॉडी है जहाँ पे आप देख सकते हैं एक पर्टिकुलर स्पीसीज को, जिसे वार हेडेड गीज कहा जाता है, ये माइग्रेट करके आते हैं कर्नाटका में। आज के एडिटोरियल में
प्री के लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेंस के लिए आपको मिल जाएगा। एम के नारायणन जी का आर्टिकल है, बहुत स्कॉलर पर्सन है, पॉलिटिकल व्यू है इनका इस पर, आपके पास टाइम हो तो देख लीजिए, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। टेस्टिंग द रेड लाइंस इन द ईरान न्यूक्लियर टॉक, ईरान ने IAEA का कहना मानने से इनकार कर दिया है, उसका कहना है सैंक्शन कम करो फिर हम तुम्हें विजिट करने देंगे, उस पर ये लाइन आया है। द हिंदू का खुद का एडिटोरियल है एज एंड मैरिज, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि 21 ईयर गलत है, 18 ही ठीक है, 18 में लड़कियां वालिग हो जाती है, जबकि चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 को गवर्नमेंट ने बिल लाया है अमेंड करने की बात की जा रही है कि मैरिज एज जो है लड़कियों का वो 21 कर दिया जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ये मेंस का आर्टिकल है, कैन इंडिया बिकम ए टेक्नोलॉजी लीडर, डायरेक्ट मेंस का आर्टिकल है, आप इससे गो थ्रू जरूर हो लें, कुछ डाटा मिल जाएंगे, कुछ आइडियाज मिल जाएंगे आपको, मेंस के लिए साइंस एंड टेक में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नाइदर बैन नॉर रेगुलेट क्रिप्टो, आरबीआई बार बार कह रही है कि क्रिप्टो करेंसी हम नहीं चलने देंगे इंडिया में, इंडिया के लिए सही नहीं है, हम नहीं चलने देंगे मतलब वो गवर्नमेंट को बता रही है, रिकमेंड कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी सही चीज नहीं है। ऑब्वियस ही बात है आरबीआई का स्टेक खतरे में पड़ जाएगा, अगर क्रिप्टो करेंसी आएगी तो रेगुलेटर तो चाहिए नहीं, तो आरबीआई फेवर में नहीं है इसके। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, मिक्स रिकॉर्ड फॉर एससी एक्सपर्ट पैनल, कल के न्यूज आर्टिकल में हमने हेडलाइन बनाया था एससी वर्सेस एससी, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, और आज द हिंदू ने खुद ही ये पब्लिश किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पैनल बनाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट डिफरेंट कंसर्न पर, उनका जो एक्टिविटी है या रिकमेंडेशन है या जो सबमिशन है, इनमें बहुत सारी चीजें लैक करती हैं। कुछ कमेटी बन जाती है लेकिन उनको टाइम पे टाइम चाहिए, कुछ कमेटी बन जाती है जिनके रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को नहीं पसंद आते, खुद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं ये गलत रिकमेंडेशन है। कल वाले में मैंने आपको बताया था कि पेगासस इशू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने खुद आर रविंद्रन के लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी, बंगाल गवर्नमेंट ने, वेस्ट बंगाल के सीएम ने एक अलग से कमेटी बनाई थी मदन वी लोकुर के चेयरमैनशिप में, ये मदन वी लोकुर वही है जिनके लीडरशिप में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये जो फार्मर का इशू था वो पराली जलाने वाला, उस पे उन्होंने कमेटी बनाया था, रिकमेंडेशन भी दिए थे। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फार्मर इशू चल रहा था बिल को लेकर के, उस पे भी 4 मेंबर का एक कमेटी बनाया था, कुछ और भी कमेटीज हैं, इन सब का एक मिक्स रिस्पॉन्स दिया गया इस आर्टिकल में, एक बार गो थ्रू हो लें, और एटलीस्ट 2 का नाम आप याद रखें कि वेस्ट बंगाल ने जस्टिस मदन बी लोकुर जो कि रिटायर्ड है, इनके लीडरशिप में इंक्वायरी करने के लिए पेगासस के अगेंस्ट, पेगासस जो एलिगेशन था उस पर कमेटी बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आरवी रविंद्रन के लीडरशिप में बनाया हुआ है, उनके चेयरमैनशिप में बनाया हुआ है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, होम मिनिस्टर का कहना है कि बेटर कोऑर्डिनेशन नीडेड बिटवीन एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होम मिनिस्ट्री के डायरेक्ट अंदर आता है, जो कि ये 2006 में एस्टेब्लिश किया गया है, इसे एनडीआरएफ को 2006 में एनडीआरएफ को एस्टेब्लिश किया गया था, और उसके बाद एसडीआरएफ स्टेट में भी डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को एस्टेब्लिश किया जाने लगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे किया है, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र ने 7 में किया था। अमित शाह का कहना है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसकी वजह से कई बार जब डिजास्टर आता है, एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी है डीएमए, ये 2005 में लाया गया था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखें, डीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन खुद पीएम साहब हैं, प्रधानमंत्री होते हैं इसके चेयरमैन, जबकि एनडीआरएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आता है, होम मिनिस्टर के अंदर आता है, एनडीआरएफ 2006 में बना है, डीएमए एक्ट 2005 में लाया गया था, एनडीआरएफ डीएमए का पार्ट है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ,
प्रायोरिटी फॉर बिल ऑन वोटर आईडी आधार लिंक, पहले के आर्टिकल में दो दिन पहले हमने आपको बताया था कि गवर्नमेंट एक बिल ला रही है जिसमें बोगस वोटिंग को रोकने के लिए मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड पर्सन लोग बना लेते हैं, उसको रोकने के लिए वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है अपोजिशन फिर से प्राइवेसी कंसर्न को उछालेगी, बट ये सही चीज है, एक बार जरूर आप पढ़ लें, मेंस के लिए भी काम आएगा कि कैसे बोगस वोटिंग को रोका जा सकता है। एक आर्टिकल आया है पोषण डाटा अंडर रैप्स फॉर प्राइवेसी, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन चिल्ड्रेन। स्मृति ईरानी जी का कहना है कि जो पोषण डाटा है उसे हम पब्लिकली पब्लिश नहीं करेंगे बिकॉज ये वुमेन और चिल्ड्रेन के इंटरेस्ट में है। आपको याद होगा पोषण अभियान शुरू किया गया था, पोषण वीक सप्ताह मनाया जाता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, पोषण अभियान कब शुरू किया गया था, न्यूट्रिशन के लिए और कौन कौन से प्रोग्राम है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कॉशियस वेलकम फॉर गढ़चिरौली फर्स्ट जंबो, ये जंबो एलिफेंट को कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल आया था जिसमें ये कहा गया था कैग ने केरला और तमिलनाडु को खींचा था कि आपने वो रेलवे से कह करके क्रॉसिंग नहीं प्रॉपर बनवाए, रेलवे को भी खींचा था जिसके कारण जंबो की डेथ हो रही है रेलवे क्रॉसिंग्स पे। ये एलिफेंट प्रोजेक्ट इंडिया में 1992 में आया है, ये इंपॉर्टेंट है आप इसे याद रखें, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में आया था, 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था और इसके 20 साल बाद एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया गया था। गोवा नेवर फॉरगेट इट्स इंडियनेस, मोदी, गोवा जो कि आज इंडियन स्टेट 1987 में शामिल किया गया, उसके पहले ये यूनियन टेरिटरी था, पुर्तगीज यहां पे रूल करते थे गोवा को यूनियन टेरिटरी बनने से पहले। वहां पे कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है जिसमें प्रधानमंत्री गोवा 16th गोवा लिबरेशन डे था इनफैक्ट, उसमें प्रधानमंत्री खुद शामिल हुए थे, तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ ऐसी बातें करेंगे जो इमोशनल चीजें हो। हालांकि गोवा में कुछ भी इंडियननेस जैसा नहीं लगता है, सच्चाई तो यही है, बट प्रधानमंत्री का कहना है तो मानना पड़ेगा कि गोवा में इंडियननेस, गोवा इंडियननेस यानी भारतीयता कभी नहीं भूला, बहुत अच्छी बात है। आरटीआई प्ली सीकिंग एसबीआई रिपोर्ट्स ऑन पोल बॉन्ड डिसमिस्ड, सीआईसी का कहना है कि नो पब्लिक इंटरेस्ट इन फर्दर प्रोलोंगिंग मैटर। सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, एक और कमीशन था सीसीआई जिसके बारे में परसों हमने डिस्कस किया था डे बिफोर यस्टरडे। सीआईसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट से लाया गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से लाया गया है, यह कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल में नहीं आता है। सीसीआई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो भी एक्ट से लाया गया था, कंपनीज एक्ट, कंपटीशन एक्ट। सीआईसी ये श्योर करती है कि आरटीआई अगर कोई डिमांड कर रहा है तो उसे मिलना चाहिए। फिलहाल सीआईसी ने एक आरटीआई जो कि एसबीआई रिपोर्ट की मांग कर रहा था उसे डिसमिस कर दिया है, वो पोल बॉन्ड पर। पोल बॉन्ड आपको याद होगा, पोल बॉन्ड मोदी गवर्नमेंट में आकर के थोड़ा सा जोर शोर से अप्लाई किया जाने लगा है, जिसमें एक पार्टी को एक तरीके से डायरेक्ट कैश ना दे करके इनडायरेक्टली पे किया जाता है पोल बॉन्ड खरीद करके। डिफेंस इन द सी मर्मुगाव, ये नेवी का सेकेंड इंडिजिनस स्टील डिस्ट्रॉयर है, P-15B क्लास का, ये अगले साल कमीशन हो जाएगा मई जून तक, इसका ट्रायल शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं यहां पर इमेज मर्मुगाव जो कि इंडिया का इंडिजिनसली मेड स्टील डिस्ट्रॉयर है। लो टर्नआउट
फॉर हांगकांग पैट्रियट्स पोल। हांगकांग चाइना जिसे अपना पार्ट मानता है और हांगकांग खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए, खुद की इंडिपेंडेंसी को हासिल करने के लिए खूब जोर शोर लगाया हुआ है। यूएसए बराबर सपोर्ट में रहता है इसके। वहां पे पैट्रियट्स एक टाइप का सर्वे हुआ था, उसके बारे में ये आर्टिकल है। टाइम हो तो पढ़ लें, अदरवाइज हांगकांग का लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए चाइना के कौन से साइड में है। ईस्ट चाइना सी इसके साथ है कि साउथ चाइना सी को टच करता है या किसी को नहीं करता, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। जर्मनी प्लेसेस यूके ऑन हाई रिस्क लिस्ट। एक यूरोपियन कंट्री दूसरी यूरोपियन कंट्री को अगर किसी भी टाइप से ब्लैकमेल करती है या कुछ ऐसे सैंक्शन लगाती है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जर्वेशन की चीज है ये। फिलहाल जर्मनी ने ये जो कोविड 19 का चल रहा है अभी, उसमें यूनाइटेड किंगडम को हाई रिस्क लिस्ट में रखा है, मीन्स वहां से आने जाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। फिलीपींस में टाइफून आया हुआ है, आप सबको पता है, जिसका नाम था राय, RAI। ट्रेजडी बढ़ता जा रहा है, 109 लोग वहां पे मारे जा चुके हैं अब तक। निफ्टी 1996 में आया था, ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज नहीं है निफ्टी, बॉम्बे वाला इससे पुराना है। फिलहाल इस आर्टिकल से आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इकोनॉमिक न्यूज है, आपके काम का नहीं है। आज के स्पोर्ट्स में भी कुछ खास नहीं है, बट इसके बाद वाले आर्टिकल में अंडरस्टैंडिंग द यूएस स्ट्रेटजी ऑफ एशिया पिवोट, जिनका भी ऑप्शनल PSIR पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिस्ट्री ये सारे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज GS के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। बहुत अच्छा आर्टिकल है, जरूर एक बार गो थ्रू हो लें। इसमें अभी यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है, यानी फॉरेन मिनिस्टर हमारे यहाँ का इक्विवेलेंट, एंटनी ब्लिंकिन, ये साउथ ईस्ट एशिया में घूम रहे हैं अभी। इनके घूमने का पर्पस क्या है इसके बारे में कहा गया है, क्या ये चाइना के अगेंस्ट बाकी सबको मोबिलाइज कर पाएंगे, इसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल है। इससे पहले यूएस की क्या पॉलिसी रही है, जैसे लड़ाई अगर करनी है तो इशू चाहे यूरोप का हो या अमेरिका का हो, लेकिन जमीन हमेशा एशिया का होगा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इराक हो, म्यांमार हो या वियतनाम हो, या इवन इंडिया पाकिस्तान हो, ये अमेरिका की पॉलिसी रही है। एक बार गो थ्रू जरूर हो लें आप। इंडो यूएस रिलेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमेशा नंबर वन पे रहता है ये। क्वेश्चनिंग द इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कल के आर्टिकल में आया था कि PMO के साथ ECI की बैठक हुई थी, जो कि अनडाउटली गलत है। ECI खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, PMO कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। PM कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जाकर के, ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का जाना कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिग्निटी को अंडरमाइन करता है। तो मेंस में इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इलेक्शन कमीशन की एक्टिविटीज, इलेक्शन कमीशन के बारे में लिखना, क्रिटिकली एग्जामिन करना, यहां से आपको कुछ चीजें मिल सकती हैं। साइबर सिक्योरिटी VG इन 2021 में साइबर सिक्योरिटी का ओवरऑल जो रिकॉर्ड रहा है, रिस्पॉन्स रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। साइबर सिक्योरिटी अनडाउटली साइंस एंड टेक, यानी GS पेपर का, मेंस का, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल मिल जाएंगे। आपको पता होगा इंडिया में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, कर्ट है, बीच बीच में ये आते रहता है, हमने डिस्कस भी किया है पहले भी कर्ट के बारे में। ये वही है जो साइबर सिक्योरिटी को, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज को इंप्लीमेंट करवाता है अपने कंट्री में। आज की न्यूज आर्टिकल में इतना ही है, मिलते हैं कल अगले न्यूज आर्टिकल के साथ।